क्या बात है, क्या बात है। देखिए, हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं एक नई अनबॉक्सिंग। अनबॉक्स तो हुआ पड़ा है, फिर भी आप लोगों के सामने एक अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स के साथ साथ एक रिव्यू भी होगा, क्योंकि ये स्पीकर ये यूज कर रहा हूं मैं काफी दिन से। अब ये स्पीकर है ब्लूटूथ स्पीकर एक्चुअली, और इसका नाम है मीवी रोम 2 ब्लूटूथ स्पीकर। और इसकी खास बात यह है कि ये 24 आवर प्ले टाइम देगा आपको, 24 घंटे ये आपको म्यूजिक देगा। और ब्लूटूथ इसके अंदर है 5.0 और 5 वोल्ट का स्पीकर है ये। यही मेरे को, मैं ये यूज कर रहा हूँ काफी दिनों से, अप्रोक्सीमेट 2 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और इतना गजब का स्पीकर है ना ये, मतलब जिसे कहते हैं ना कि पैसा वसूल, ये पैसा वसूल ऑब्जेक्ट है ये ऐसा डिवाइस है, मतलब आपके पैसे आपको लगेगा ही नहीं कि जाया हो गए, बेकार हो गए हैं, यार ये तो बेकार है, कुछ और ले लेते। लेकिन ये स्पीकर लेके आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। चलिए, इसकी ये बैक साइड में कुछ इसके फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं। साउंड सॉलिड बास और बिल्ट इन मेटेलिक, इसकी जो ग्रिल है वो मेटेलिक की है, और स्पीकर जो है वो 2 स्पीकरों को एक साथ चलाया जा सकता है, और इजी टू कैरी है, वाटर प्रूफ है, और 24 आवर वही जो मैं बता चुका हूँ, 24 घंटे का प्ले टाइम है, 2000 mAh की बैटरी, ये इसकी खास बात है, 2000 mAh की इसके अंदर बैटरी आपको इनबिल्ट मिलेगी। चलिए, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको अनबॉक्स करते हैं अब। और मैं पहले बता चुका हूँ, अनबॉक्सिंग के साथ साथ ये एक रिव्यू भी होगा स्पीकर का। ये देखिए, टन 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 नन टन नन, क्या बात है। ये लीजिए, सबसे पहले हमारे पास बिल आया, और ये खास बात है, ये मुझे भी थम्सअप करना इस बात के लिए आप, कि मैंने 2 साल से बिल भी संभाल के रखा हुआ है। ये देखिए, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्पीकर का जो है वो प्राइस बता देता हूँ, 999 यानी 999 रुपये का। ये देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, थोड़ा हल्का होगा क्योंकि काफी दिन पहले बिल बना हुआ है, तो इसका जो कलर है रंग उड़ चुका है टेक्स्ट का। ये 999 रुपये का मुझे पड़ा था, और बड़ा ही गजब का स्पीकर मिला मुझे। और ये इसके कुछ मीवी की ब्रांडिंग और इसकी कुछ खास चीजें, और ये वारंटी कार्ड, इसको रखते हैं साइड में। ये इसका यूजर मैनुअल, जिसे देख के आप स्पीकर को चला सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, आप वैसे भी चला सकते हो, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज होती है। और ये भी मीवी की ब्रांडिंग है, इसको भी रखते हैं साइड में। अब आते हैं हम अपने मेन डिवाइस पे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से मुझे मिला, और इसको अभी साइड में रख रहा हूँ मैं, और इसके अंदर देख लेते हैं और क्या क्या कुछ है। ये सिर्फ आप लोगों के दिखाने के लिए, एक्चुअली मैंने खुद ही रखा है ये यहाँ पहले, क्योंकि मैं इनको यूज कर रहा हूँ, सो दैट ये मुझे इस तरीके से ही मिला था, जब मुझे ये मिला था मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये इसका एक चार्जिंग केबल है, जो माइक्रो और एक तरफ से माइक्रो और दूसरी तरफ से ये USB टाइप बी और ए, ये इसका चार्जिंग केबल है, इसको भी साइड में रखते हैं। और ये स्पेशल है इसके, ये ऑक्स जिसे बोलते हैं ना, कि वो ईयरफोन वाला जो सिस्टम है, 3.5 mm जैक वाला सिस्टम जो है, इसको हम स्पीकर ऐसे यूज भी कर सकते हैं चलाकर लगाकर। चलिए, मेन डिवाइस पे आते हैं हम, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। टन 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 नन टन नन टन नन टन टन, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, सिल्वर कलर में मैंने मंगवाया था ये, और बड़ा ही गजब का, आज भी देखो ये गजब की लुकिंग दे रहा है, और मैं इसको प्रॉपर यूज भी कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट 2 ईयर से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और छोटा सा है, बिल्कुल हैंडी है, हाथ में आ रहा है, देखो मेरी हथेली पे भी आ रहा है ये, और 5 वोल्ट का स्पीकर है इसके अंदर। और ये पीछे से थोड़ा सा आपको ये पट्टी दिखेगी ब्लैक कलर की, ये पट्टी लगी हुई नहीं आई थी, ये मैंने ब्लैक कलर की टेप लगाई हुई है। मैं आपको बता देता हूँ किस लिए, कि कई बार हम क्या है ना, स्पीकर को ऐसे रखते हैं, तो जब ऐसे रखते हैं तो रगड़ खाता है, तो वो सिर्फ इसलिए कि मीवी का जो ये ब्रांडिंग है, ये थोड़ा सा रगड़ खा के खराब ना हो जाए, सो दैट मैंने ये अपना आइडिया लगा के ये मैंने ब्लैक टेप लगा दी थी। इसको ये ना समझना कि कंपनी की तरफ से लग के आया, यहां से प्लेन ही था। और ये मैंने सिल्वर कलर में मंगवाया, और थोड़ी देर में मैं इसको चलाकर भी दिखाऊंगा, पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। ये ग्रिल जो है मेटेलिक की है, ऊपर से ये रबड़ चढ़ा हुआ है, इसमें रबड़ की इस पर कवरिंग की हुई है, प्लस ऊपर के साइड में इसमें वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, प्ले एंड पाउज, और ये ऑन ऑफ, जब इसको ऑन करेंगे
तो इसकी एक लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी अगर इसमें बैटरी होगी। देखिए हाँ, ये पावर ऑन। अभी स्पीकर में आवाज ब्लूटूथ मोड, ये इसमें साउंड भी करता है जब हम फर्स्ट टाइम चलाते हैं। और ये ब्लू कलर की जो लाइट ब्लिंक कर रही है आपको, इससे पता लगता है कि स्पीकर ऑन हो चुका है। और ये अच्छी बात है कि है हमें टांगने के लिए एक थोड़ा सा एक हमें इन्होंने स्ट्रैप भी दिया है जिसे हम आसानी से टांग कर इधर उधर टांग भी सकते हैं। और इसके लेफ्ट साइड में मैं दिखा देता हूँ इसके जैक्स वगैरह क्या है। ये मैं इसको निकाल देता हूँ अभी। ये देखिए इसके अंदर एक चार्जिंग पोर्ट है, दूसरा वो मैंने बताया था जो 3.5 mm जैक जो हम स्पीकर किसी मोबाइल से हम चला भी सकते हैं, मतलब ऐसे इसको यूज करके हम, ठीक है जी। तो ये किसी अदर डिवाइस से हम इसमें डायरेक्ट चला सकते हैं बिना ब्लूटूथ के भी। चलिए हम इसको, ज्यादा और तो कुछ नहीं है इसमें बताने का, पर इसकी साउंड बड़ी गजब की। यार मैं करीब करीब 2 साल से यूज कर रहा हूँ, मैं ये ना सोचना कि मैं इसकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ मीवी की, पर वाकई में बड़ा ही गजब का स्पीकर मिला है मुझे। मतलब इसको लेकर बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ, एक ना कमरे में जब आप यूज करोगे, बाहर तो नहीं, बाहर की तो साउंड मतलब आपको लगेगा कि क्या पिद्दा सा सेट है, बट जब आप कमरे में यूज करोगे तो आपको एक ना डीजे वाली फील देगा, यानी कि वो धम 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 जो धमक जो आती है ना वो फीलिंग देगा ये चाहिए छुटकू सा, और आपका दिल भी खुश होगा इसको इसका म्यूजिक सुन के। मैं थोड़ी देर में इसको इसका नॉन कॉपीराइट कोई म्यूजिक चलाकर दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आप ना ये देख सको कि इसकी आवाज कैसी है। चलिए मैं थोड़ा सा सेटअप जमाता हूँ उसको नॉन कॉपीराइट, इसका मोबाइल से इसको कनेक्ट करके और नॉन कॉपीराइट कोई म्यूजिक चलाता हूँ और उसकी आप आवाज सुनना। देखिए दोस्तों मैंने अब इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है, अब इसको एक नॉन कॉपीराइट कोई म्यूजिक चलाते हैं और फिर देखना इसकी आवाज, और ईयरफोन लगाकर इसकी साउंड सुनने की कोशिश करना आप लोग। ये कनेक्ट हो गया, मैं इसकी थोड़ी साउंड बढ़ा देता हूँ। ये आपने म्यूजिक सुन लिया है इसका, अभी इसका म्यूजिक नॉन कॉपीराइट बजाया हमने और ये फुल साउंड थी एक तरह से, और जैसी भी इसकी आवाज लगी होगी, छोटा सा है बिल्कुल, हैंडी सा है, जेब में भी आ सकता है। तो बस इतना ही था वीडियो में, मैं वीडियो को अब रख रहा हूँ। इसकी जो मैंने स्पेसिफिकेशन और प्राइस वगैरह सब बता दिया मैंने, और इसके साथ ही मैंने एक उसके बाद नया स्पीकर लिया था ब्लू कलर का, वो सिर्फ इसलिए कि दो पेयर करके, दो मोबाइलों दो स्पीकर को पेयर करके बजाऊंगा कनेक्ट करके, वो फिर आप उसकी साउंड सुनना नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए मैं अभी ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।